सोलहा श्रृंगार, चेहरे पर गुस्सा और हाथ में बंदूक, आखिर ये कैसा रूप ले लिया है अवनी ने? जी हाँ, अवनी को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आज वो आर या पार करके ही रहेंगी। मतलब ये कि जिस मकसद से आज वो दोबारा दुल्हन बनी है, वो मकसद अवनी आज पूरा करके ही मानेगी। अवनी, आज आप दोबारा दुल्हन बनी है तो क्या कहना चाहेंगी आप? यस, ये मैं दोबारा दुल्हन बन गई हूँ और इस बार किसी और मकसद से बनी हूँ। और ये विद्युत ने भेजा है अवनी के लिए, और ये पिंक कलर का लहंगा है जिसमें ये दुपट्टा है जो कि बहुत ही खास है। इसके पीछे एक स्टोरी है जो कि आपको पता चलेगा कि क्या है। ओह, तो ये वही पिंक साड़ी है जो विद्युत ने लाकर अवनी को दी है, और ये जो दुपट्टा अवनी ने सिर पर ओढ़ा है, इस दुपट्टे के पीछे भी है एक स्टोरी। अब वो कौन सी स्टोरी है ये तो बाद में ही आपको पता चलेगा, लेकिन दोबारा दुल्हन बनने के पीछे की अवनी से जरा वजह तो जान ले। मकसद ये है अवनी का कि इस बार या तो विद्युत बचेगा या अवनी बचेगी, दोनों में से कोई एक बचेगा। सो या तो वो खत्म होगा या मैं खत्म होंगी, क्योंकि विद्युत को जिंदा रखकर मैं अपने परिवार के साथ नहीं रह सकती, और मैं जिंदा रहकर विद्युत भी जिंदा रहा तो वो मुझे रहने नहीं देगा मेरे परिवार के साथ। तो दोनों में से किसी एक को ही बचना पड़ेगा। वेल अवनी, आज तो आपके तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। अरे, आज तो आपने हाथों में गन ली हुई है। अवनी ने गन तो हर बार उठाई है, मतलब जब भी उसको खत्म करना होता हुआ दयावंती को या विद्युत को या रागिनी पंडित को, तो अवनी ने उठाई है गन, बट अभी तक अवनी ने चलाई नहीं है। और इस बार अवनी के अंदर इतना गुस्सा है कि अब वो अपनी परफेक्ट फैमिली को जाने नहीं देगी। तो इस बार पूरे चांसेस है, 99% चांसेस है कि या तो विद्युत बचेगा या अवनी बचेगी। तो अवनी ने तो विद्युत का खात्मा करने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी ओर आज अवनी हो गई है इमोशनल। जी हाँ, हाथ में ये पेंडेंट लेकर अवनी खूब परेशान हो रही है। अवनी, इस पेंडेंट को लेकर आप बहुत परेशान है, आखिर इस परेशानी की वजह क्या है? ये जो पेंडेंट है ये बहुत ही खास है। ये जैसा कि अगर आप फॉलो करते होंगे शो, तो आपको पता होगा कि इसमें नीला माँ और आयशा माँ दोनों की फ़ोटो है, मेरी दोनों माँ की फ़ोटो है। तो वो मैं जब भी कोई मुश्किल डिसीजन लेने वाली होती है अपनी, तो उस पिक्चर को देखती है और उन्हें याद करती है, और हिम्मत उससे बढ़ती है। ओह, तो इस पैनेट में नीला माँ और आयशा माँ दोनों की ही फोटो है जो अवनी कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले देखती है। वेल अवनी, क्या विद्युत का खात्मा करने में हो जाएगी कामयाब, या अवनी का पासा उन्हीं पर पड़ेगा भारी?